यूपीएससी के अध्यक्ष मनोज सोनी ने कार्यकाल खत्म होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों की माने तो यूपीएससी चेयरमैन मनोज सोनी ने निजी कारणों की वजह से इस्तीफा दिया है। मनोज सोनी का कार्यकाल 2029 में खत्म होना था, मगर उन्होंने करीब 5 साल पहले ही अपना इस्तीफा दे दिया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि उन्होंने साल 2017 में संघ लोक सेवा आयोग में सदस्य के तौर पर शामिल हुए थे। वहीं 16 मई 2023 को उन्होंने अध्यक्ष पद की शपथ ली थी। यह इस्तीफा ऐसे वक्त में है जब ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर का विवाद सुर्खियों में है। हालांकि इस्तीफे के अभी तक ऑफिशियली तरीके से अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। जान लेते हैं कौन है मनोज सोनी। सूत्रों के अनुसार मनोज सोनी अब अपना अधिक समय गुजरात के स्वामीनारायण संपादक की एक ब्रांच अनुपम मिशन को देना चाहते हैं। साल 2020 में दीक्षा प्राप्त करने के लिए बाद में वो अनुपम मिशन में एक साधु या निष्काम कर्मयोगी बन गए। मनोज सोनी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करीबी माना जाता है। 2005 में जब वो 40 वर्ष के थे तब नरेंद्र मोदी ने उन्हें वडोदरा के प्रसिद्ध एम्स विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया था। इस तरह से वो देश के सबसे कम उम्र के कुलपति बने थे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जून 2017 में यूपीएससी में अपनी नियुक्ति से पहले मनोज सोनी अपने गृह राज्य गुजरात में 2 विश्वविद्यालयों में 3 बार कुलपति के रूप में काम कर चुके हैं। तो वहीं सोनी ने 2015 तक 2 बार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में काम किया था। सूत्रों का कहना है कि मनोज सोनी के इस्तीफा का ट्रेनी आईएएस अफसर पूजा खेड़कर से कोई भी लेना देना उनके विवाद से नहीं है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 40 साल की उम्र में सोनी बने थे वाइस चांसलर। मनोज सोनी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करीबी माना जाता है। ये भी कहा जाता है कि मोदी ने ही 2005 में सोनी को वडोदरा के एम्स विश्वविद्यालय कुलपति में नियुक्त किया था। इसके साथ ही आपको बता दें कि विवादित ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर की मां मनोरमा को गुरुवार को पुणे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बता दें मनोरमा खेड़कर पर जमीन विवाद को लेकर किसानों और ग्रामीणों को धमकाने का आरोप है। हाथ में बंदूक लेकर उनका वीडियो पिछले दिनों काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद से पुलिस उनकी तलाश में थी। पुणे पुलिस मनोरमा को गिरफ्तार करने के लिए महाराष्ट्र के रायगढ़ के एक लॉज होटल में पहुंची, जहां उनका फर्जी आधार कार्ड के जरिए छिपी हुई थी। उनके अलावा उनका कैब ड्राइवर भी वहां पे मौजूद था। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मनोरमा प्राइवेट टैक्सी को लेकर होटल तक पहुंची थी। यहां पर कैब ड्राइवर को बेटा बताया और फेक आईडी बनाकर अपना नाम इंदु बाई बताया था। पुलिस ने कई दिनों से मनोरमा और उनके पति दिलीप खेड़कर को ढूंढ रही है। पुलिस ने सूत्रों को बताया कि जीपीएस की मदद से ही पूजा खेड़कर की मां का पता चला है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। देशने के तमाम और उत्तराखंड की छोटी बड़ी खबरों के लिए न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।